नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लिबीटेक में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों मेरे पास लगातार कमेंट आप लोगों के आते रहते हैं TGT PGT भर्ती 2016 से रिलेटेड कि सर TGT PGT 2016 की रिवाइज आंसर की कब आएगी, इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा या फिर अगली TGT PGT भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों इनमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो की, ठीक है। दोस्तों आज के प्रमुख समाचार पत्रों में हेडिंग दी गई है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, दैनिक जागरण के पेपर में आपको मिल जाएगा, प्रयागराज संस्करण है ये, ठीक है। यहाँ पे साफ दिया गया है अभी पुरानी भर्तियों में उलझा रहेगा चयन बोर्ड। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी फ़िलहाल में अभी एक हफ्ते पहले से आसपास इसके TGT PGT 2011 के काफ़ी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे परिणाम घोषित किया गया है, ठीक है। और इसी को लेकर के बोर्ड अभी भी परेशान है क्योंकि यहाँ पर मामला अभी भी थम नहीं रहा है। काफ़ी सारे ऐसे विषय हैं जो लगातार विवादों में बने हुए हैं, कई सारे विषय ऐसे हैं जिनमें कोर्ट केस चल रहे हैं और कोर्ट केस के आधार पर जैसा भी हाईकोर्ट का आदेश आता है उसके अनुसार बोर्ड यहाँ पर संशोधित रिजल्ट जारी कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, देखा होगा, मैंने वीडियो में बताया भी है आपको पुराने वाले में, कि जो भी अब उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड से जो भी भर्तियाँ आ रही हैं विज्ञापित पद कुछ और होती हैं, उसके अलावा अब जो चयन परिणाम आता है जो इस समय उपलब्ध पद हैं वो काफ़ी कम पद हो गए हैं। कारण क्या है, जो भी कॉलेज हैं जो भी DIO हैं वो संबंधित अपने डिस्ट्रिक्ट में स्कूलों से मैनेजमेंट से बात करके पदों को भर देते हैं, ले दे करके उसके बाद यहाँ पर पद खाली हो जा भर जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है चयन बोर्ड को क्योंकि पहले उसका अधियाचन आ चुका है, चयन बोर्ड ने उसके सापेक्ष यहाँ पर भर्ती भी निकाल दी है लेकिन समय पर इस समय वर्तमान में वो पद प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं अगर उनका यहाँ पर चयन नहीं होता तो जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है, वो लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ 2011 भर्ती में भी हो रहा है, बहुत से पद ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है उस पदों के सापेक्ष, और अगर हाई कोर्ट में मामला जाता है तो फिर एक लंबा टाइम लगता है, इसको आप लोग भलीभांत समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मामला ये है कि अभी 2011 भर्ती का इसमें पूरी बोर्ड तैयारी करने में जुटा हुआ है, जो भी संशोधित परिणाम होकर के आ रहे हैं और इसमें अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा यहाँ पे दिया गया है, ऐसे में अगले महीनों में ही पुरानी भर्तियाँ ही आगे बढ़ने की उम्मीद, जो पिछली भर्तियाँ हैं वही अभी 2-3-4 महीने तक चलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिवाइज आंसर की के बारे में कि TGT PGT 2016 की कब तक आएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें अभी बोर्ड यहाँ पर पुराने मामलों में ही जुटा है, पुराने रिजल्ट में जुटा है, TGT PGT दोनों की आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी, आपत्तियाँ भी ले ली गई हैं लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी कोई भी विशेषज्ञों की टीम गठित नहीं की गई है जो उन आपत्तियों पर वेरीफाई करे, पड़ताल करे उन आपत्तियों के बारे में और उसके बाद एक जो करेक्ट आंसर है उसको निकाले। तो दोस्तों यहाँ पर माना यह जा रहा है कि परीक्षार्थियों के लिए जो संशोधित उत्तर कुंजी आएगी वो रिजल्ट के साथ ही जारी होगी, ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज के पेपर में दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कि हालांकि उसकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई, कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा परिणाम के साथ ही वह जारी होगी, यानी संशोधित उत्तर कुंजी एक साथ जारी होगी परिणाम के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं आप लोगों की उनका मूल्यांकन का कार्य यहाँ पे चल रहा है, जो भी आपकी कॉपियाँ हैं उनका करेक्शन का काम चल रहा है। लिखित परीक्षा का परिणाम कब आएगा कब नहीं आएगा इसका अभी तक कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, यहाँ पे साफ दिया गया लिखित परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा यह अभी भी तय नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो साफ जाहिर सी बात है, आप लोग अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि फ़िलहाल 2019 में तो लिखित परिणाम मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये आप नए साल में ही समझ लीजिए कि 2020 में ही कुछ हो सकता है, परिणाम भी आ सकता है आपका, इसके अलावा इसका अंतिम चयन परिणाम भी 2020 के लास्ट तक आ सकता है, 2020 के शुरुआत में आपको लिखित परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद अंतिम चयन परिणाम आने में
काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं TGT PGT जो भी भर्तियाँ होती हैं 2-3 साल 4 साल से पहले कभी पूरी नहीं होती हैं। और एग्जांपल अभी आपके सामने 2011 की भर्ती है, 2019 चल रहा है, अब आप समझ लीजिए कितना टाइम लगता है यहाँ पर भर्तियों में, ठीक है। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको तैयारी करिए, लेकिन साइड में जो भी जॉब्स आती है उनको भी देखते रहिए, ठीक है। जैसे अभी प्राइमरी में DSSB से यहाँ पर भर्तियाँ आने वाली हैं, लगभग 10,500 भर्तियाँ इसमें आने वाली हैं, तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा एक सूचना ये भी मिल रही है कि 69,000 पूरी होने के बाद अभी आपको प्राइमरी में एक भर्ती आने वाली है इसी साल के अंत में आपको, यानी लगभग दिसंबर या नवंबर में आपको 55,000 भर्ती का विज्ञापन आपको प्राइमरी में मिल जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि TGT PGT की नई भर्ती कब तक आएगी। बहुत से भर्ती इसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि चयन बोर्ड ने यहाँ पर TGT PGT की जो भी नई भर्तियाँ 2019 में आने वाली हैं उसका अध्याचन ले लिया है। 15 फरवरी तक यहाँ पर अध्याचन लिए गए थे, ठीक है। बोर्ड के पास उपलब्ध पदों का अध्याचन यहाँ पे पहुँच चुका है, कितने पद इस समय खाली हैं 2019 भर्ती के लिए। लेकिन चुनाव की अधिसूचना आ गई बीच में, ठीक है, बोर्ड तैयारी कर रहा था लेकिन जो विज्ञापन है भर्ती का 2019 का वो विज्ञापन नहीं आ पाया। तो ऐसा अनुमान है कि आपको यहाँ पर जून या जुलाई में आपको यहाँ पर अध्याचन यानी विज्ञापन मिल जाएगा TGT PGT नई भर्ती का, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं वो जून या जुलाई में उनको खुशखबरी मिल सकती है, TGT PGT की नई भर्तियाँ आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब आएंगी या नहीं आएंगी ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि भर्तियाँ बोर्ड जारी करता है या नहीं जारी करता। वैसे अनुमान ये है कि 2019 में तो भर्ती आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राह नहीं है, 100% भर्ती आएगी, लेट भले ही हो जाए थोड़ा। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर लगातार बने रहें, आपको जो भी ट्रस्टेड अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल से मिलेगी, ठीक है। बाकी चैनल पे भी आपको मिलती रहेगी। एक हमारा दूसरा चैनल है AB Insight, चाहे तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है, उस पर जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।